What does the grass say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 24 जुलाई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:49 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ, हालांकि इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है, हम डेली चार्ट में वो देखेंगे। एक खबर है रिलायंस के बारे में, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रिलायंस में, तो अमेजोन भी अभी स्टेक लेने में, रिलायंस रिटेल में स्टेक लेने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो कल जैसे देखा हमने ज़बरदस्ती जी रिलायंस के स्टॉक में थी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रिलायंस में और भी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अभी ओवरबॉट जोन में है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आना वहाँ पर लाजमी होता है। यूएस और चाइना की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे, कोरोना वायरस का जो केसेस है वो लगातार दुनिया में बढ़ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन जो है उसके ऊपर काम चल रहा है, वो आने में अभी भी टाइम लग सकता है, 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और दिसंबर एंड तक ये जा सकता है। तो जो लॉकडाउन अभी फिर से कोई कई एरिया में हो रहा है इंडिया में, तो हो सकता है ये जो सिचुएशन है ये और थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो जो Q1 के रिजल्ट्स है उसके मुताबिक Q2 के रिजल्ट्स के भी ऊपर इसका असर गिर सकता है। चलते हैं सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये 23 जुलाई का पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,152। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट यहां पर अचीव किया, फिर से इससे क्या सपोर्ट टेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को, और फिर बाउंस बैक जो हुआ तो फर्स्ट टारगेट फिर से और सेकेंड टारगेट 11,200 भी अचीव हुआ, और पूरा दिन उसके बाद एक फ्लैट नोट पर यह ट्रेड हो रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला, नासडैक करीब 244 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी कमज़ोर दिखे। आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 98 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स भी 132 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर देखे तो हल्की सी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो दुनिया भर के बाजारों में इस समय थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये वीकली चार्ट में हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, इसका 100% का लेवल ऑलमोस्ट 11,200 के पास आ रहा था, तो लगभग ये लेवल अचीव कर लिया। आज लास्ट डे है तो आज ये कैंडल कंप्लीट हो सकता है, देखना ये होगा कि इस लेवल के ऊपर ये क्लोज हो पाता है या नहीं। यहाँ पर हर्डल है 11,200 के पास, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल दिक्कत हो सकती है निफ्टी को। अगर पास्ट में जैसे हमने एनालिसिस किया था 1-2 दिन पहले भी, ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ये दूसरी बार सपोर्ट टेस्ट किया, तो इस लेवल के पास 11,200 के पास एक हर्डल ये फेस कर सकता है। तो इतना ज़बरदस्त आप लास्ट 4 वीक से देख सकते हैं हायर हाई हायर लोस के पैटर्न निफ्टी इंडेक्स बना रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी होता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 100 EM और 50 EM है, जो कि अराउंड अभी 10,600-10,700 के पास है, इस जोन में ये सपोर्ट फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है अगर नीचे की तरफ आता है तो। निफ्टी इंडेक्स इस 11,200 के लेवल के ऊपर यहाँ से अगर सस्टेन कर पाता है इसके ऊपर, तो हमें आने वाले निफ्टी इंडेक्स में 11,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर इसने प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था पास्ट में। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है निफ्टी इंडेक्स का। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल क्या हुआ था, ये जो बियरिश कैंडल है प्रीवियस डे का, इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है। बुलिश कैंडल ज़रूर बना है लेकिन बियरिश कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी इसका हाई और लो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता है। जैसे कि आज कमज़ोर बाजार दिख रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स, तो अगर ये कंफर्टेबली अगर लो ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड्स आउट की तरफ मूव कर सकता है।
हालांकि स्ट्रक्चर देखें, अभी ये जो स्ट्रक्चर देखें मूविंग एवरेजेस का, ये अपसाइड मूव यानी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। 20, 50, 100 ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस अभी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें पास्ट में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तो ये क्लियर अपसाइड मूव का स्ट्रक्चर होता है। अभी वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो एक बार जैसे कि ये वेव्स की तरह ऊपर चलता है, तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटा वेव आए नीचे की तरफ और फिर ऊपर जाए, क्योंकि ओवरबॉट जोन में RSI भी पहुँच गया है, जो हमें बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी हो सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का इस समय का सिनेरियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ इसे जाना है, तो ये जो यहाँ से एक दिन पहले एक फॉल आया था, गैप अप ओपन होके उसके बाद एक तुरंत फॉल आया, फिर कल भी उसी लेवल के पास इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो 11,241 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जो कि 11,269 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,295, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स निफ्टी साउथ की तरफ आता है, तो काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स है। पिवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल है, फिर इसके बाद 20 EMA है, S1 का ये जो लेवल है पिवट पॉइंट का, वो भी सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो इन सबको अगर ये क्लियरली ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दिन पहले लगातार इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, इस लेवल के नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो S1 का पिवट पॉइंट का लेवल भी उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 11,131 को अगर ये क्लियरली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,112, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,087, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा, तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है, वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।